मऊ जिला चिकित्सालय में आग से बचाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसका खुलासा उस समय हो गया जब जनपद के फायर विभाग की तरफ से जिला चिकित्सालय में आग से बचाव के लिए एक डेमो का आयोजन किया गया, जिसमें फायर विभाग के कर्मचारी और अधिकारी आपातकालीन समय में आग लगने पर जनता को बचाव और राहत कार्य को कैसे पहुँचाया जाए उसके लिए मॉक ड्रिल का आयोजन कर जिला अस्पताल के आपातकालीन विंग में तैनात डॉक्टर, मरीज और उनके परिजनों को जागरूक किया। फायर अधिकारी के मुताबिक जिले के समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आग से बचाव के लिए व्यवस्था नहीं है, जिससे बड़ी घटना होने पर तत्काल बचाव के कोई उपाय किए जाएं इसके लिए सिर्फ फायर विभाग ही बचाव और राहत कार्य को पहुँचाने का काम कर सकता है। जिले के सरकारी जिला चिकित्सालय में आपातकालीन आग लगने पर बचाव और राहत कार्य को पहुँचाने के लिए एकमात्र फायर विभाग ही है, जिसके माध्यम से जिला अस्पताल में आए हुए मरीज, डॉक्टर और मरीजों के परिजनों को बचाने का काम किया जा सकता है। क्योंकि फायर विभाग के अधिकारी सुभाष कुमार ने बताया कि जिला चिकित्सालय के अंदर आग लगने पर उसके बचाव के लिए कोई उपाय नहीं है। हालांकि फायर विभाग की तरफ से 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए फायर विभाग जनपद के सरकारी बिल्डिंगों के साथ साथ प्राइवेट और सार्वजनिक स्थानों पर पब्लिक को जागरूक करने का काम कर रही है, ताकि लोगों को आग से बचाव के लिए उपाय पता हो और वो आग से अपने आप को सुरक्षित बचा सकें। ये फायर सेफ्टी वीक चल रहा है 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक। तो फायर सेफ्टी वीक का हम जो है लोगों को जागरूक करते हैं, फायरिंग करके, ट्रेनिंग करके और कंप्लेंट करते हैं, रैली निकालने के लिए। तो उसी कार्यक्रम के अंतर्गत ये आज जिला अस्पताल में जो है कार्यक्रम किया गया, जिसमें फायर का आयोजन किया गया। फायर का आयोजन करके उनको देखा गया, तत्परता देखी गई और यहाँ पे उपलब्ध संसाधनों को भी देखा गया। लेकिन यहाँ पे पाया गया कि संसाधन बिल्कुल कुछ नहीं है, फायर सेफ्टी का बिल्कुल जीरो संसाधन है।